पाइथन में स्ट्रिंग्स क्या होती हैं? देखिए, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ था इसको, से मैंने एक मैसेज स्ट्रिंग बनाई और इसमें एक मैसेज स्ट्रिंग में एक मैसेज पास करता हूँ, सॉरी, और इसमें एक मैसेज पास करता हूँ, माय नेम इज आदित्य। ओके, तो यहाँ पर ये स्ट्रिंग है और इस स्ट्रिंग को जब मैं प्रिंट करता हूँ तो ये मैसेज दे देती है। ओके, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो स्ट्रिंग जो क्लास है यहाँ पे, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट से किसी मेथड को कॉल करते हैं, है ना, पाइथन में ऐसा है कि जब भी कोई इनबिल्ट फंक्शन है जिसमें बिना ऑब्जेक्ट के कॉल कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं फंक्शन, और जब भी हम किसी भी फंक्शन को एक ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करते हैं तो उसको बोलते हैं मेथड, है ना। तो यहाँ पर जो MSG जो मेरा स्ट्रिंग क्लास का है, हम जानते हैं ये मैंने माई नेम इज आदित्य, इसका टाइप क्या है, डेट टाइप क्या है, स्ट्रिंग, तो ये स्ट्रिंग टाइप का है। जब मैं इस पर डॉट लगाता हूँ तो मेरे पास बहुत सारे फंक्शंस हम मुझे देखने को मिल जाते हैं। ये फंक्शन सारे इस स्ट्रिंग क्लास को बिलोंग करते हैं और इन फंक्शंस को मैं डायरेक्टली यूज़ कर सकता हूँ। देखिए, अभी मैं आपको कुछ फंक्शन बताने वाला हूँ, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप किसी भी तरह की प्रोग्रामिंग करेंगे तो स्ट्रिंग के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इसको अच्छे से समझ लीजिए। देखिए, सबसे पहले जो पाइथन में स्ट्रिंग है वो इम्यूटेबल होती है। इम्यूटेबल का मतलब ये है कि हम उसको बदल नहीं सकते, उसकी जो वैल्यू है वो वही रहेगी, ठीक है, इसको बोलते हैं इम्यूटेबल। अब मैं यहाँ पे सबसे पहला आपको एक मेथड यूज़ करके दिखाता हूँ, मैसेज डॉट से अपर। अपर का तो आप मीनिंग समझते ही होंगे, ये जो भी मैंने लिखा है माय नेम इज आदित्य, ये सब कुछ अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। जब मैं इसको रन करता हूँ तो आउटपुट आप देखेंगे माय नेम इज आदित्य, यहाँ पे सब कुछ कैपिटल में कन्वर्ट हो गया है। इसी तरीके से यहाँ पे आप और भी यूज़ कर सकते हैं, से मैसेज डॉट लोअर, आप लोअर केस में भी पूरी स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे सेकंड आउटपुट आया माय नेम इज आदित्य, सब कुछ लोअर में है। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि जब भी मैंने ये बोला मैसेज डॉट अपर, इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो मैसेज था, जो मैसेज स्ट्रिंग थी मेरी, वो अपर केस में कन्वर्ट हो गई। ये एक्चुअली एक न्यू स्ट्रिंग यहाँ पे प्रिंट होती है और पुरानी स्ट्रिंग वैसे की वैसे ही रहती है। अगर आपको इसको प्रूफ करके देखना है तो आप इसके नीचे प्रिंट लगाइए और मैसेज यहाँ पे लिख दीजिए, वापस से मैसेज को प्रिंट करके देखिए। तो जब आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो आप देखेंगे पहली लाइन में जो अपर केस में कन्वर्ट होकर नई स्ट्रिंग आई है, और जो मेरी पुरानी स्ट्रिंग थी माय नेम इज आदित्य, जो नॉर्मल स्ट्रिंग थी, वो वैसी की वैसी ही लिखी हुई है। तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है, जब भी आप किसी भी मेथड को यूज़ करते हैं तो जो एक्चुअल स्ट्रिंग है वो चेंज नहीं होती है, बल्कि एक नई स्ट्रिंग बन के वहाँ पर प्रिंट होती है, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अभी हम लोग नेक्स्ट पे मूव होते हैं। यहाँ पर मैं एक कुछ और आपको मेथड्स दिखाना चाहता हूँ, उसे यहाँ पे प्रिंट करते हैं, पहले प्रिंट और मैसेज डॉट यहाँ फाइंड, ये फाइंड काफ़ी अच्छा है। फाइंड का मीनिंग क्या है, अगर मुझे ये जानना है कि मेरे इस स्ट्रिंग में ये स्पेसिफिक जो सपोज़ कीजिए मुझे फाइंड आउट करना है कि n है, वो n का इंडेक्स क्या है, तो जब मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे आता है 3। ये 3 कैसे आया आप वो समझ लीजिए, यहाँ पर जब आप जाएंगे ये इंडेक्स हो गया 0, ये इंडेक्स हो गया 1, और स्पेस का इंडेक्स 2, और n का इंडेक्स 3। तो आप देख सकते हैं जो n का इंडेक्स आ रहा है वो 3, और ये फाइंड के थ्रू जो इंडेक्स आ रहा है वो भी आउटपुट में क्या आ रहा है, 3। तो फाइंड के थ्रू आप स्ट्रिंग में किसी भी कैरेक्टर का आप इंडेक्स पता कर सकते हैं, नॉट ओनली कैरेक्टर। अगर मैं यहाँ पे एक वर्ड भी लिखता हूँ, से मैंने लिखा आदित्य, और इस आदित्य का इंडेक्स क्या है, जब इसको आप रन करेंगे तो यहाँ पे आता है 11। अब ये 11 कैसे आया होगा, आप एक सिंपल सा तरीका है, वही आप यूज़ कर सकते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और स्पेस का आ जाएगा यहाँ पर 10, और ए का जो आएगा वो आएगा 11। तो जब भी आप कोई वर्ड डालते हैं इसमें फाइंड में, तो वो आपको जो इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है वो इंडेक्स आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो फाइंड से आप
स्ट्रिंग में ये पता लगा सकते हैं कि ये कहाँ है। लेकिन अगर मैंने कोई एक ऐसी स्ट्रिंग डाल दी जो इसमें एग्जिस्ट ही नहीं करती, से मैंने डाल दिया एक्स एक्स, क्या ये एग्जिस्ट करती है? तो मैं इसको जब रन करूँगा तो मेरे पास आउटपुट आता है -1। -1 का मतलब है वो जो आपने वर्ड या स्ट्रिंग डाली है वो फाइंड नहीं हुई। ठीक है, तो इस तरीके से हम फाइंड का यूज़ करते हैं। अब हम दूसरे मेथड पे चलते हैं, और इस मेथड में हम समझते हैं नया से रिप्लेस मेथड को समझते हैं। मैं रिप्लेस कैसे यूज़ करूँगा यहाँ पर बताता हूँ। से मैं इस आदित्य को बदल कर मैं इस स्ट्रिंग में चेंज करना चाहता हूँ प्रोग्रामर मित्रा। ओके, सो अभी मैं क्या करना चाह रहा हूँ, इस स्ट्रिंग में ये जो मैसेज स्ट्रिंग है इसमें रिप्लेस कर दो आदित्य को जहाँ जहाँ मिले उसको प्रोग्रामर मित्रा से। जब मैं इसका आउटपुट देखता हूँ तो क्या आता है, माई नेम इज़ प्रोग्रामर मित्रा, मीन्स इस मैसेज में जहाँ पे आदित्य था वो कन्वर्ट हो गया। अब मैं आपको फिर से एक चीज़ बताना चाहता हूँ, मेरी जो स्ट्रिंग थी वो चेंज नहीं हुई है। अगर मैं मैसेज को अभी भी प्रिंट करके देखता हूँ तो मेरी जो पुरानी स्ट्रिंग थी वो वैसी की वैसी है, ये नई स्ट्रिंग बना के देता है। मैंने आपको बार बार बोला है स्ट्रिंग इज़ इम्यूटेबल, यू कांट चेंज इट इन पाइथन। ठीक है, तो स्ट्रिंग को आप चेंज नहीं कर सकते। तो इस तरह के अगर क्वेश्चन आते हैं आप कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आप एक याद रखिए, आप इस पर कोई भी मेथड कॉल कर रहे हैं तो एक नई स्ट्रिंग बन के आती है, आपकी जो एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग है वो वैसी की वैसी ही रहती है।